नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। आरबीआई ने जमा किए वैध नोटों के लिए निकासी सीमा में ढील दी। बैंकों में वैध करेंसी नोटों को जमा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की दिशा में रिजर्व बैंक ने कहा कि वैध करेंसी नोट जमा करने वाले ग्राहक मौजूदा सीमा से अधिक राशि निकाल सकेंगे। आरबीआई ने बैंकिंग तंत्र में नोटों का सर्कुलेशन बढ़ाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति 4000 रुपए की रकम 2500, 100, 50, 20, 10 और 5 रुपए के वैध नोटों में जमा करता है तो उसके लिए निकासी सीमा 4000 रुपए तक बढ़ाई जाएगी, जो 24000 रुपए की साप्ताहिक निकासी सीमा से ऊपर होगी। चालू खातों के लिए छोटे व्यापारियों के लिए निकासी सीमा प्रति सप्ताह 50000 रुपए है। एक सर्कुलर में आरबीआई ने कहा कि खातों से नकदी निकासी पर मौजूदा सीमा को देखते हुए कुछ जमाकर्ता अपना पैसा बैंक खातों में जमा करने से हिचकिचा रहे हैं। इस बीच रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि नोटबंदी के बाद बैंकों में 500 और 1000 के पुराने नोटों में कुल 8.45 लाख करोड़ रुपए जमा हुए या बदले गए हैं। यह आंकड़ा 27 नवम्बर तक का है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस दौरान बैंकों ने काउंटर तथा एटीएम के जरिए 2.16 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। गत 8 नवम्बर को 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की घोषणा की गई थी। इसके बाद रिजर्व बैंक ने इन नोटों को बैंकों में जमा करने या उनको बदलने की व्यवस्था की थी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को आयकर कानून संशोधन भी पेश किया। इसके तहत खुद कालाधन घोषित करने पर टैक्स, जुर्माने व उपकर की सीमा बढ़ाकर 50% और आयकर द्वारा पकड़े जाने पर 85% कर व जुर्माने का कठोर प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था 30 दिसंबर तक बैंकों में जमा होने वाले धन के लिए होगी। और आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नगरोटा में सेना पर फिदायीन हमला, सांबा में भी मुठभेड़। नाचिल में सेना के जवान का शव छत्विछित करने में पाकिस्तान की सीधी भूमिका, सेना ने कहा। कांग्रेस नेता की बहू को गोवा में आपसे टिकट मिला। मकाऊ ओपन में नहीं खेलेगी सिंधु, साइना करेगी भारत की अगुवाई। गाजियाबाद में हर्ष फायरिंग के दौरान एक की मृत्यु, दो घायल।